देश भर में रामलला के लिए भक्त कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। भारत के प्रसिद्ध भजन गायक शर्मा बंधु ने राम मंदिर शिलान्यास को लेकर भजन बनाया है। इस भजन की रिकॉर्डिंग उज्जैन में ही हुई है। उज्जैन नगरी से श्री राम भगवान का अटूट नाता रहा है। उज्जैन नगरी भी पूरी राममय हो गई है। उज्जैन में 5 तारीख को दीपक लगाने का आह्वान किया गया। इसी बीच उज्जैन के शर्मा बंधुओं ने अपनी सुमधुर आवाज में रामलला पर अद्भुत भजन देशवासियों को समर्पित किया है। यह भजन काफी लोकप्रिय हो रहा है। भजन के बोल मन को मोहित करने वाले हैं। अब दर्शन देंगे राम लला राम लला हो राम लला आज की प्यारी राम लला जगत की प्यारी राम लला हो प्यारी प्यारी राम लला। शर्मा बंधु उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहते हैं। वह महाकाल की नगरी में दर्शन करने आए थे। दर्शन करने के बाद उनको महाकाल की नगरी इतनी प्यारी लगने लगी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को अलविदा कहकर उज्जैन नगरी में ही अपना ठिकाना बना लिया। तब से लेकर चारों भाई एक साथ रहकर राम नाम का जाप करते हुए देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। दबंग न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। वैसे तो उज्जैन शहर को एक ऐसी सौगात देने वाले शर्मा बंधु जिन्होंने कई अलौकिक भजन संध्याएं की है और कई भजन ऐसे गाए हैं जिनसे पूरे देश को सुनने में अलौकिक लगता है। और आज 5 तारीख को जो भूमि पूजन भव्य अयोध्या में होने वाला है उनको एक नई सौगात दी है। उन्होंने एक भजन तैयार किया है। किस तरह का भजन है हम उन्हीं से जानते हैं। शर्मा जी बताएँ किस तरह का भजन है और आप राम भगवान को क्या ये रामलला का मंदिर बन रहा है और करोड़ों लोगों ने कामना की है तपस्याएं की है। आज ही एक माता का हम सुन रहे थे कि 28 वर्षों से उन्होंने अन्न जल त्याग कर रखा था। जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो अन्न नहीं ग्रहण करेंगी। क्या कितनी बड़ी तपस्या है। ऐसे सब लोग तपस्या कर रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तपस्या की है तो रामलला ने की है। टेंट में रहे हैं वो, उनसे बढ़कर किसकी तपस्या हो सकती है। तो उन रामलला सरकार का गुणगान हमने भजन में किया है, उनका ध्यान किया है और वो एक सुंदर भव्य दिव्य मंदिर में विराजें इसकी कामना की है। किस तरह सा भजन है आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? राम लला हो राम लला अवध के प्यारे राम लला जगत के प्यारे राम लला प्यारे प्यारे राम लला हो तो आपने सुना कितना मधुर ये भजन था। और हर कोई जो भक्त इस तरह के भजन सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। हर कोई किसी न किसी माध्यम से राम भगवान तक किसी न किसी चीज़ को पहुंचा रहे हैं। तो उसी तरह शर्मा बंधुओं ने भी एक भजन राम के नाम भेंट किया है। उज्जैन से दबंग न्यूज़ के लिए अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट।